26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा पर राष्ट्रपति ने अफसोस जताया, कहा तिरंगे और गणतंत्र दिवस जैसे पवित्र दिन का अपमान दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आज कैसे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर हंगामा चल रहा है, तनाव है। सिंघू बॉर्डर की तरह टीकरी बॉर्डर पर भी स्थानीय लोगों ने आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ हल्ला बोला। गनीमत है कि यहां प्रदर्शन हिंसक नहीं हुआ, लेकिन लोग इस बात पर अड़े हैं कि अब तो बॉर्डर खाली करना ही होगा। और हम आपको टीकरी बॉर्डर की रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले फिर एक बार जरा सिंघू बॉर्डर चलते हैं जहां आज खूब हंगामा हुआ है। कुमार सोनू की ये ताजा रिपोर्ट देखिए। जहां से अब से थोड़ी सी देर पहले हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, जिसके चलते दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को टियर गैस चलानी पड़ी। फिलहाल स्थिति सामान्य रहे और दोबारा से स्थिति ना बिगड़े, उसके लिए अब यहां पर देखें कि पहले लोहे की बैरिकेडिंग की गई थी और अब उसके सामने ठीक सामने जो है सीमेंटेड बैरिकेडिंग है वो की जा रही है। बड़ी बड़ी क्रेन जो है दिल्ली पुलिस ने मंगाई है ताकि पूरे एरिया को कॉटन ऑफ कर दिया जाए, ताकि जो किसान जो है जो दिल्ली की सीमा में बैठे हुए हैं वो किसी भी तरीके से इस कॉटन ऑफ एरिया को क्रॉस करके दूसरी तरफ ना आ सकें। फिलहाल आप देखें कि बड़ी बड़ी क्रेनों से सीमेंटेड बैरिकेडिंग की जा रही है, लोहे की बैरिकेडिंग ऑलरेडी की जा चुकी है, लेकिन अब उसको और मजबूत बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं। साथ ही जो पैरामिलिट्री फोर्सेज का बैकअप था, जो बैकअप फोर्स दिल्ली की पुलिस के पास हमेशा रहती है, उस बैकअप फोर्स को जो है यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि कानून व्यवस्था में कोई भंग ना पड़े, कानून व्यवस्था किसी भी तरीके से खराब ना हो। तो जो बैकअप फोर्स है दिल्ली पुलिस के पास पैरामिलिट्री फोर्सेज की, उसको जो है यहाँ पर तैनात किया गया। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह खुद यहाँ पर आ गए हैं ताकि स्थिति सामान्य रहे, क्योंकि संजय सिंह खुद इस रेंज के लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी हैं, तो ऐसे में वो खुद यहाँ पर मौजूद है, सिचुएशन को भांप रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो इस पूरे हिंसा में जो है दिल्ली पुलिस के कई कर्मचारियों को चोटें आई हैं, तो दो इंस्पेक्टर इसमें घायल हुए हैं। एक तो SHO है दिल्ली पुलिस के अलीपुर थाने में, जो कि अलीपुर थाना वही थाना क्षेत्र है जहां पर जिसके एरिया में जो है सिंघू बॉर्डर पूरा आता, जहां पर पिछले 63 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। फिलहाल आप तस्वीरें देख लें कि पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ किया जा रहा है और कॉर्डन ऑफ के साथ साथ यहां पर बैकअप फोर्स भी बढ़ा दी गई है। कैमरामैन रोहित चौधरी के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अब। क्या रोटी खाने के बाद आपके पेट में दर्द होता है? क्या आपको दूध और दही से एलर्जी है? अगर हाँ तो ब्रेक के बाद योग गुरु स्वामी रामदेव आपको बताएंगे 30 दिन में कैसे ठीक होगी ऐसी फूड एलर्जी।